छपरा में एक ऐसा नाम जहां हर शाम भूखे असहाय लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। जी हम बात कर रहे हैं छपरा में चल रहे रोटी बैंक की, जहां बरसों से अनवरत शहर भर में बसेरा लिए असहाय और गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराने का काम करता है। आपको बता दें, रोटी बैंक को भारत के विभिन्न संगठनों द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। यहाँ तक की रोटी बैंक के ब्रांच बनारस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी सम्मानित किया गया है। वहीं आज लायंस क्लब छपरा सिटी के सदस्य प्रवीण कुमार के जन्मदिन के खास मौके पर इस रोटी बैंक को भोजन उपलब्ध कराया गया, जिसको लेकर रोटी बैंक ने शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर बेसहारा असहाय गरीब लोगों तक ये भोजन पहुंचाया। बता दें, समाज सेवी और जिले भर के लोगों द्वारा इस रोटी बैंक को हर समय यथासंभव मदद भी की जाती है। वहीं रोटी बैंक में ऑटोमेटिक रोटी बनाने की मशीन भी उपलब्ध है, जिससे ज्यादा से ज्यादा रोटी भी बनाकर लोगों तक पहुंचाई जाती है। लगातार 5 वर्षों से कार्य सुचारू रूप से इनके सदस्यों द्वारा किया जाता रहा। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं रोटी बैंक के सदस्य। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। आज हमें बड़ी खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि लायंस क्लब के हमारे छोटे भाई नवीन ओबरा यहाँ पर रोटी बैंक के द्वारा अपना जन्मदिन मना रहे हैं। क्योंकि छपरा जो धरती है, यहाँ पर रोटी बैंक एक बहुत बड़ी संस्था है, क्योंकि यहाँ के लोगों को इंतजार रहता है रात में रोटी का। और हम लोग, हमारे छोटे भाई प्रवीण ओबरा जो कि लायंस क्लब के सदस्य हैं, और उनका जन्मदिन हम लोग यहाँ मना रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और हम लोग को काफी अच्छा महसूस हो रहा है, चावल और काफी दोस्तों के साथ एक एंजॉय किया। इससे बढ़िया बर्थडे मनाना हमको नहीं लग रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि गरीबों का सेवा हम लोग लायंस क्लब के करते आए हैं और ऑल इंडिया रोटी बैंक के सहयोग से कर रहे हैं। ऑल इंडिया रोटी बैंक को धन्यवाद, सारे सदस्यों को धन्यवाद, साथ ही साथ यहाँ हमारे पत्रकार भाई पाठक जी। आपका जन्मदिन है और आप रोटी बैंक आए हुए हैं, क्या कहेंगे आप? जिला प्रशासन और रोटी बैंक छपरा, जो वर्षों से गरीबों को नाइट में 9 बजे के बाद खाना खिलाते हुए मतलब आते हैं, चंद्रावती पहले से होते हुए कचहरी स्टेशन होते हुए म्यूनिसपलिटी चौक, जो शहर के चौक चौराहा जहाँ पे गरीब असहाय लोग पड़े रहते हैं, गरीब असहाय लोग रहते हैं, उनको पर डे 365 दिन धूप बारिश तूफान कोरोना और के समय में भी लोग शुरू से खाना खिलाते आ रहे हैं, और आज भी आज भी चल रहा है, चलता आ रहा है। आज आपका जन्मदिन? जी आज मेरा जन्मदिन है, उसी में बस शुभ अवसर पे सहयोग प्राप्त हुआ कि रोटी बैंक के द्वारा मुझे काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा उन्हीं के द्वारा जुड़कर सहाय लोग को रोज खाना मतलब वितरित किया जाता आ रहा है, आज वितरित किया जा रहा है। प्रवीण भाई को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि जो इन्होंने रोटी बैंक के साथ जुड़ के, जो अनवरत रोटी बैंक हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहता है, हर 9 बजते ही गरीब और असहाय व्यक्तियों को इंतजार रहता है कि रोटी बैंक के द्वारा खाना आए, हम लोग को मिले और वितरित हो। ये रोटी बैंक ऐसा संस्था है जो इसका हेडक्वार्टर बनारस में है, जो मोदी जी के द्वारा सम्मानित हुआ है। और ये रोटी बैंक ऐसा है कि जो प्रत्येक कईयों वर्ष से चलते आ रहे हो गरीब असहाय और व्यक्तियों के साथ, आज हम लोग प्रवीण जी के जन्मदिन को इंजॉय किया और कुछ गरीब बच्चों में जाके हम लोग पाठ्य सामग्री भी बांटे और भोजन भी करते और भोजन भी दिया। क्या नाम है? जी मेरा नाम दयानिधि गुप्ता हुआ। बैंक के द्वारा सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, और भैया आपको खास करके आप आए और हमारे यहाँ हमारे इन कार्यों को, इस उन्हीं कार्यों को और लोगों तक मतलब दिखाने का जो आपने एक माध्यम रखा है, वो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो है एक रोटी बैंक, जैसा कि हम लोग जानते हैं और सर्वविदित है कि विगत आधे दशक से छपरा शहर में चल रहा है, तो काफी नाम है, काफी लोग जानते हैं, बाहर में भी रोटी बैंक को जानते हैं। जी जी जी, मतलब कितने सदस्य हैं आप लोग? हम लोग करीब 20 सदस्य हैं यहाँ पे, और जो कि सक्रिय भूमिका में होते हैं, और अदरवाइज जितने सारे लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो सभी हमारे परिवार के हिस्सा हैं। लोग ये मतलब कि लोग यह जो डोनेट करते हैं, किस तरह से डोनेट करते हैं, कब कब डोनेट करते हैं, कोई फंक्शन हुआ? मतलब आपके यहाँ जैसे कोई भी कार्यक्रम हो, मांगलिक कार्यक्रम हो, फिर अन्य कार्यक्रम होता है, तो उसमें हम लोगों को बहुत सारे लोग हैं जो कि भोजन बना के देते हैं, बहुत सारे लोग हैं कि राशन के रूप में देते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि आर्थिक सहयोग करना ज्यादा पसंद करते हैं, और हमारा उद्देश्य होता है भोजन वितरण करना। तो मतलब चाहे किसी रूप में आप सहयोग करें, हम लोग उसको भोजन रूप में परिणत करके और जरूरतमंद लोग पहुंचा देते हैं। यहाँ सिर्फ शाम को ही खाना वितरण होता है? किन किन जगहों पे, कैसे जगहों पे खाना वितरण किया? हम लोगों का जैसे कि हम लोग पूरे शहर में घूमते हैं, जैसे कि शुरू में हम लोगों ने सर्वे किया था चारों तरफ,
लेकिन हम लोगों को जो एरिया सटीक जगह जहाँ पे, हाँ सटीक जगह जहाँ पे लोग बैठे रहते हैं, क्योंकि लंबा दशक हो गया हम लोग काम करते हुए, तो लोग चिन्हित जगहों पे बैठे होते हैं। तो हम लोग यहाँ मोहनगर से शुरू करते हैं और छपरा में दो स्टेशनें हैं, छपरा कचहरी, छपरा जंक्शन, विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए हम लोग सदर अस्पताल तक जाते हैं। मतलब लगभग 150-200 लोग। रात में कितने बजे से स्टार्ट करते हैं आप लोग? 8:30 के आसपास हम लोग निकल जाते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं अपना वाहन से। हाँ, अपने गाड़ी से। ये कितने दिनों से लगभग? एक हमारा 5 साल अक्टूबर में पूर जाएगा और ये सेवा है, निर्बाध सेवा है, मतलब प्रत्येक दिन की सेवा है, इसमें कोई छुट्टी नहीं होती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविशंकर उपाध्याय, मैं सदस्य हूँ। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMG बार्स, रिश्ता मजबूती का।